दो पड़ोसी थे राहुल और बिट्टू। दोनों को एक दिन उनके बीवियों ने बाहर जाकर सामान लाने को कहा। दोनों सामान की लिस्ट लेते हैं और शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं। मार्केट में जब दोनों सामान खरीदते हैं तो राहुल अचानक से ही दुकानदार के साथ में बहस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको सामान के एग्जैक्ट रेट बताए थे और कहा था कि सारा सामान 150 तक आ जाएगा। लेकिन दुकानदार सामान के थोड़े से ज्यादा पैसे मांग रहा था, क्योंकि उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। पर राहुल उससे बहसबाजी करने में करीब एक घंटा लगा देता है। उधर बिट्टू ने बहस न करते हुए उसे 20 रुपए ज्यादा दिए और सामान लेकर घर वापस चला गया। राहुल अभी भी उससे बहस करने लग रहा था। दुकानदार जब तंग आ गया तो उसने राहुल को 150 में ही सामान दे दिया, ये सोचकर कि अगर ये यहाँ पर और देर तक खड़ा रहा तो मेरा दिमाग ही खा जाएगा। राहुल बहुत खुश होता है और घर वापस आ जाता है। वेल दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी नज़र में इन दोनों में से किसका फैसला सही था, या किसने ज्यादा समझदारी दिखाई, राहुल या फिर बिट्टू? देखो, फायदे की नज़र से अगर देखो तो यहाँ पर हमको राहुल का ही सही फैसला लगेगा, क्योंकि भले ही उसने दुकानदार से 1-1.5 घंटे बहस की पर अपने 20 रुपए बचा लिए। बट द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के ऑथर की नज़रों में ये कोई फायदा नहीं बल्कि डबल नुकसान है, क्योंकि ये शो करता है कि हम सिर्फ कुछ पैसों के चक्कर में अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझते। ये एक अमीर और एक गरीब सोच रखने वालों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। गरीब सोच रखने वाले टाइम को इग्नोर करके पैसों को ज़्यादा समझते हैं, वहीं अमीर सोच वाले अपना टाइम बचाने के लिए कुछ पैसे खर्चने को भी तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग अपना टाइम बचाकर कई अलग अलग मौके तलाश लेते हैं, पर गरीब लोग जिंदगी भर बस गरीब ही रह जाते हैं। वॉलेस दी वॉटल्स, जो कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच जैसी क्लासिक बुक के ऑथर हैं, वो बताते हैं कि वो भी एक बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन शुरू से ही उनकी जो सोच थी वो उनके घर वालों और उनके आस पड़ोस वालों से बिल्कुल अलग थी। दूसरे अमीरों से इंस्पायर होकर वो हमेशा अमीर बनने का रास्ता ढूंढते थे। कॉलेज में जब उनका सेकंड ईयर था तो उस टाइम उनको एक बहुत ही कमाल का मौका मिला। वहाँ उन्हें कुछ मिलियनर्स लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए चुना गया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमीर लोगों से जो भी उनके मन में सवाल चल रहे थे सबका जवाब जान लिया, और आखिर में इस इंटरव्यू का कंक्लूजन ये निकाला कि अमीर बनना कोई स्किल नहीं है, ये एक साइंस है, एंड जो भी लोग इस साइंस को पहले समझ जाते हैं वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। अपनी इस बुक में ऑथर ने अमीर बनने की साइंस को अलग अलग चैप्टर्स में बताया है और प्रूफ किया है कि कैसे लोग इन रूल्स को फॉलो करके खुद को अमीरी की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर अमीर बनने के पीछे की साइंस क्या है, तो आगे के जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डू थिंग्स इन अ सर्टन वे। कई लोग सोचते हैं कि ये जो अमीर लोग होते हैं उनके पास शुरू से ही कोई स्किल या फिर टैलेंट होता है जिसका अल्टीमेटली यूज करके वो अमीर बन जाते हैं। ऑथर ने जब अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये पाया कि इन सभी के अंदर कोई ऐसी बड़ी खूबी नहीं है जो उनको बाकियों से अलग करती हो, पर क्योंकि उन्होंने चीज़ों को एक सर्टन वे में किया है इसलिए वो इतने अमीर बन पाए हैं। ऑथर ने यहाँ पर एक और बात नोटिस की कि ये सभी लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट करते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम भी इनको फॉलो करोगे तो तुम भी हमारी तरह अमीर बन सकोगे। वेल नहीं, उन्होंने पैसे कमाने की कोई टिप नहीं दी, बल्कि उन्होंने वैसे पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस किया जो लोगों के ग्रोथ माइंडसेट से जुड़े हैं, जिसमें डीप थिंकिंग, फास्ट एग्जीक्यूशन, एड वैल्यू, ये तीनों का बहुत जिक्र था। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है डीप थिंकिंग। हर चीज़ की शुरुआत एक सोच से होती है। इंसान की बनाई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उसने पहले इस बारे में काफ़ी सोच विचार ना किया हो। राइट ब्रदर्स को जब हवा में सवारी करने का आइडिया आया तो उन्होंने किसी छत से छलांग नहीं लगा दी। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है, एंड थोड़ी देर के लिए ही सही उनको हवा की सैर करा सकती है। तो तब उनके माइंड में पक्षियों से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर सामने आया जो उनको बहुत काम का लगा। देन उन्होंने फिर इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया, एंड सोच कर उन्होंने ऐसी चीज बनाकर तैयार कर ही दी जो वाकई में हवा में उड़ सकती थी। सेम इसी तरह इन्वेंशंस के साथ साथ एक गहरी सोच बिजनेस के लिए भी काफी जरूरी है। पेटीएम, ओला, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, ये सभी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए भी पहले लोगों के माइंड में एक स्टार्टअप आइडिया आया था जिसे सोच कर एग्जीक्यूट करके उन्होंने एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए सबसे पहला रूल जो लोग अमीर बनने के लिए फॉलो करते हैं वो है डीप थिंकिंग। लोग डीप थिंकर पहले बनते हैं और अमीर बाद में। शायद अब कुछ लोग के माइंड में ये चलने लग जाए कि यार, मैं तो पहले से ही बहुत बड़ा थिंकर हूँ, हर टाइम मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन मैं तो अमीर नहीं हूँ। बट ऑथर कहते हैं कि ऐसे बिजनेस थॉट्स जिनके बेस पर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, उन थॉट्स का कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस हैं। हमारे थॉट्स तब हमारे काम आते हैं जब हम सही माइंडसेट के साथ एक सही डायरेक्शन में सोचते हैं। पर अगेन सवाल यह आता है कि अब ये सही डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? तो देखो, इस तरह की वीडियोस और ऐसा कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हो
ये भी आपका एक सही माइंडसेट बनाने और आपको एक सही डायरेक्शन देने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इनसे आपकी सोच खुलती है और आपके पास फिर आइडियाज काफी हो जाते हैं। इसी टॉपिक पर द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम से एक बुक है जो लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये बुक हमको डिटेल में ये बताती है कि एक इंसान की सोच के अंदर कितनी पावर होती है और कैसे वो अपनी सोच के जरिए कई इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हैं। इस कमाल की बुक की बातों को अगर आप बहुत सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो कोको एफएम एप्लीकेशन पर लगभग इसकी 1.5 घंटे की बुक समरी अवेलेबल है, आप वहां से ये नॉलेज ले सकते हैं। कोको एफएम जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये इंडिया का एक ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर लगभग 10,000 से ज्यादा घंटों के ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। सिर्फ यही नहीं, यहां पर कई अलग अलग टाइप की कैटेगरीज लाइक सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस, फिटनेस, मोटिवेशन, बिजनेस एंड करियर जैसे टॉपिक्स पर कंप्लीट ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं, जो आपकी करंट थिंकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इस ऐप की जो नॉर्मल मंथली मेंबरशिप है वो 99 रुपीज की है, पर अभी कोको एफएम पर एक बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है जिसमें आप उनकी पहले महीने की मेंबरशिप पर पूरे 50% का ऑफ पा सकते हैं। बस कूपन कोड सेक्शन में आपको DH50 नाम से इस कोड को ऐड करना है, देन इमीडिएटली आपको इस प्राइस रेंज पर भी पूरे 50% का ऑफ मिल जाएगा, यानी जो आपकी 99 की मेंबरशिप थी वो 49 में हो जाएगी, जो एक कॉफी की प्राइस से भी कम है। तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, इस लिमिटेड ऑफर का पूरा फायदा उठाएं। दूसरा है फास्ट एग्जीक्यूशन। अगर आप एक डीप थिंकर बन जाते हैं और आपको कई तरह के आइडियाज भी आने लग जाते हैं तो अब आपको ज्यादा देर न करते हुए उन आइडियाज के ऊपर अब एक्शन लेने की जरूरत है। ऑथर कहते हैं कि जहां एक डीप थिंकर बनने के बहुत सारे फायदे होते हैं, वहीं छोटी सी इसकी एक डिफरेंट साइड भी होती है। एक डीप थिंकर बनने के बाद आपके माइंड में कई चीजें घूमने लगती हैं, एंड यहां अगर आप किसी एक चीज पर नहीं टिक पाए तो आप खुद को बहुत कंफ्यूज कर लोगे, और खुद को कंफ्यूज करने का मतलब है सिर्फ सोचते रह जाना पर कोई एक्शन न लेना। उन लोगों ने ऑथर से बताया था कि देखो ये दिक्कतें हमारे साथ भी हुई थी, पर जब हमको ये रियलाइज हुआ कि ऐसे तो बस हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो उसी टाइम हमने कोई भी एक आइडिया पकड़ा और उस पर फास्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए। हम तो कहते हैं कि हमारा उस टाइम पर फास्ट एक्शन लेना ही एक बड़ी वजह थी जो आज हम इतना कामयाब हैं, वरना अगर ये कन्फ्यूजन हम पर हावी हो जाती तो आज शायद हम यहाँ ना होते। तीसरा है एड वैल्यू। आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप का मानो एक क्रेज चल पड़ा है, क्योंकि आजकल हर दूसरा इंसान एक एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहता है, पर हम जानते हैं कि इतने सारे लोगों में बहुत कोशिश करने के बाद भी सिर्फ कुछ ही लोग ही बन पाते हैं। वेल ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग एक ऐसी मिस्टेक रिपीट करते जा रहे हैं जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं हो रहा, एंड वो मिस्टेक है क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करना। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट्स या फिर कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे वो उतने ही फेमस होंगे, पर इस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि जो नॉलेज या फिर जो वैल्यू की लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे वो उनको कुछ खास नहीं मिल पा रही। 9 जून 2007 को मार्केट के अंदर पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। उससे पहले भी कई मोबाइल कंपनीज थीं जो ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेट कर रही थीं, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया पॉपुलैरिटी के मामले में आईफोन ने सबको पीछे छोड़ दिया, और सिर्फ 10-12 साल के अंदर ही ये फोन की दुनिया में सबसे टॉप ब्रांड बन गया। रीजन वही है कि उन्होंने फोन्स की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी पर फोकस किया और लोगों को ये भरोसा दिलाया कि इस प्रीमियम क्वालिटी के फोन को लेकर वो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, एंड इसी वजह से आने वाले टाइम में आईफोन 2 से 2.5 लाख का ही क्यों ना हो जाए, लोग तब भी उसको उसी क्रेज से खरीदेंगे, बिकॉज क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स। तो इन तीन बातों पर इंटरव्यू के दौरान अमीरों ने बहुत ज्यादा बातें की थी। लेसन नंबर 2, द राइट वे टू बी रिच। ऑथर बताते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा होता है उनको बार बार ये डर सताता है कि कहीं हम इन पैसों को खो ना दें, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो बहुत मेहनत करके किसी भी हाल में बस ये पाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, चाहे फिर वो कोई भिखारी हो या फिर कोई बंगलों में रहने वाला आदमी। लोगों के पास जितना भी होता है वो उससे ज्यादा ही पाने की इच्छा रखते हैं। अगर मैं आपसे भी ये पूछूं कि क्या आपको भी ज्यादा अमीर बनना है, तो नो डाउट यहाँ पर आपका भी जवाब हाँ में ही होगा। पर एक मिनट के लिए जरा इमेजिन करो कि आप एक मिलियनर बन चुके हो, अब आपके पास इतना पैसा है कि आप इसको लाइफ टाइम खर्च कर सकते हो, पर क्या आप इन पैसों को लेकर लाइफ टाइम खुश भी रह पाओगे? मतलब क्या अब आप मान सकते हो कि अब आपकी लाइफ बस फुलफिल हो चुकी है? शायद नहीं। ऑथर बताते हैं कि एक फुलफिल लाइफ जीने के लिए 3 और चीजें भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका माइंड, आपकी बॉडी एंड आपकी सोल। पैसों के साथ साथ आपको इन तीनों चीजों को भी सेटिस्फाइड करना होगा, आप तभी एक फुलफिल लाइफ जी सकते हैं। वो कैसे? थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। फर्स्ट इज माइंड। पैसे कमाने के बाद आपके माइंड के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन और इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इतने सारे पैसों को आप सही से खुद मैनेज कर पाओ, वरना अगर आप इस बारे में खुद को एजुकेट नहीं कर पाए
तो लोग आपको इस तरह से बेवकूफ बनाकर आपका पैसा हड़प लेंगे कि आपको पता तक नहीं चलेगा। सेकेंड इज बॉडी। लाइफ में अमीर बनने का मतलब है लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करना, और इस एंजॉयमेंट के लिए चाहिए आपको भरपूर एनर्जी। पर एनर्जी आपके अंदर तभी आएगी जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में अपने दिन रात एक कर देते हैं। वो ना ही अपनी हेल्थ पर ध्यान देते और ना ही अपनी बॉडी को रिलैक्स करने देते। पर आगे जाकर जब उनके अमीर बनने के दिन आते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनको इतने हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं कि उनके वॉक तक करने में पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में उनका ये पैसा एंजॉय करने में कम और दवाइयों में ज़्यादा खर्च होता है। थर्ड इज सोल। अब दोस्तों दोबारा से आप सोचो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा कि अगर आप कुछ अब नहीं भी करो आपका तब भी काम चल जाएगा। पर आपकी इस कामयाबी से खुश होने वाला या आगे की लाइफ में आपका साथ देने वाला अब कोई नहीं बचा, ना आपकी फैमिली, ना दोस्त, ना पार्टनर, कोई भी नहीं। तो इतनी कामयाबी पाने के बाद भी आपको अपनी लाइफ बहुत खाली सी लगेगी। हाँ, शायद अब कुछ लोग ये कहें कि भाई पैसा बोलता है, तुम पैसों के पीछे भागो, लोग अपने आप तुम्हारे पीछे भागेंगे। बट दोस्तों, जो खुद के लोगों के साथ आपके जेन्युइन रिलेशंस होंगे, उन्हें आगे चलकर आप कितने भी पैसे डालकर खरीदने का ट्राई कर लेना, वो ऑथेंटिक तो बिल्कुल नहीं होंगे और ना ही आपकी सोल उनसे कनेक्ट कर पाएगी। कई लोग आपने देखे होंगे जो पैसे कमाने में इतने मगन होते हैं कि उनको अपने आप के अलावा किसी और की परवाह नहीं होती। वो ठीक से बात तक करना पसंद नहीं करते, अपनों को जरा भी अटेंशन नहीं देते। फिर यही लोग जब आगे चलकर एक लेवल पर पहुंचते हैं तो पीछे की गई गलती पर वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं। इसलिए पैसे कमाने में आप इतना भी मत खो जाओ कि अपनों से रिलेशन ही रखना बंद कर दो। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं जो अमीर बनने के साथ साथ आपके पास होनी ही चाहिए। ऑथर कहते हैं कि इनमें से एक चीज़ भी अगर आप इग्नोर करोगे तो आगे चलकर इसका आपकी लाइफ पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। अगर यस, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस बुक की अगर आप डिटेल में समरी सुनना चाहते हैं तो कोको एफएम पर इसकी लगभग 1.5 घंटे की बुक समरी अवेलेबल है, आप वहां से सुन सकते हैं। और हाँ, 50% ऑफ पाने के लिए DH50 नाम से ये कूपन कोड ऐड करना मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।